फिर से कोई चालू हो गया है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भानुगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। इसका ध्यान तो नहीं है, देखते हैं विष्णुगुप्त हो, सही है। क्वेश्चन का ये टेस्ट शुरू हो रहा है और ये फिर चलेगा 30 सेकंड के बाद बाद। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर, आंध्र प्रदेश पर, केरल पर, बंगाल पर। तो चोल शासन शायद आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु पर था, तमिलनाडु में रहते हैं, सही हो गया। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु में। तो ज्ञान गंगा क्विज में हम भाग ले रहे हैं, आप भी हमारे साथ हैं। 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? चेरों के द्वारा, चोलों के द्वारा, पांड्यों के द्वारा और पल्लवों के द्वारा। फिर ध्यान नहीं है, देखते हैं। चोल, गलती हो गया, ये पल्लवों के द्वारा संरक्षित है, यानी पल्लव जो था ये वंश, इन्होंने इसको संरक्षित किया था, कला को बनाया था वहाँ पर, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा पल्लव से संबंधित है, बस इतना समझिए। शरीर का वजन जो है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है। तो ध्रुव पर अधिकतम होता है, शरीर का वजन जो है ध्रुव पर अधिकतम हो जाता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो ये समझना है, विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर की ओर, पोल की ओर या नीचे की ओर जाएंगे तो वजन बढ़ते जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरा और 3 डिग्री कर दिया जाता है? तो तापमान जैसे बढ़े आएगा तो आयतन जानते हैं कि बर्फ के बनने पर बढ़ता है, क्योंकि आप ठंडे में पाइप फटता था ये जानते थे। तो आयतन में परिवर्तन नहीं, आयतन बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। तो पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, ये होना चाहिए, नहीं पहले घटेगा तब बढ़ेगा। अच्छा, ये था, शुरू में घट जाएगा फिर बढ़ जाएगा। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल नहीं होता। बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, हो ही नहीं सकता है। पैर तथा बर्फ के बीच मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, सही। बर्फ मुलायम स्पंजी होता है, गलत। पैर और वहाँ पर स्लिप करता है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता है, घर्षण नहीं होता है, रोड़ी वाले पे फ्रिक्शन होता है, आराम से चलते हैं लोग। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का दूसरा नियम, गति का पहला नियम, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन, गति का तीसरा नियम। इसमें पहला नियम लागू होता है कि जड़त्व का नियम है, ये गति का जड़त्व नियम, जो जहाँ है वो वहीं रहना चाहता है। तो न्यूटन के गति का नियम है, ये तीन नियम है। किस पल्लव शासक के साथ पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? ध्यान नहीं है लेकिन देखते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम मारे, ऐसे तुक्का ही मारे थे, सही हो गया। बल का बल गुणनफल है, तो जानते हैं F बराबर ma होता है, m द्रव्यमान और a एक्सलेशन होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण हो गया, ये हिंदी में हुआ द्रव्यमान और त्वरण, m मास और a एक्सलेशन होता है, F इक्वल टू एम ए, यही फार्मूला है। तो बल गुणनफल किसका किसका है यही पूछा गया था, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने यह एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? यानी पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष खारवे और पुलकेशिन प्रथम। अब इसमें शायद द्वितीय थे, पुलकेशिन द्वितीय, सही हो गया। एहोल प्रशस्ति की रचना इन्होंने की थी, रवि कीर्ति ने, और उस समय राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, इसीलिए इनका संरक्षण उनको मिला था। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? तो चालुक्य वंश में पश्चिमी चालुक्य, मंगलेश, रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय,
देखते हैं। द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय ही पश्चिम में चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था, ऐसे हमको याद नहीं था, तुक्का ही मारे हैं हम। और हिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए टफ होता है और फिर भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है। गेस करना भी ज़रूरी है जहाँ कुछ नहीं हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। स्कंद गुप्त ने किसे सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया? पर्णदत्त, बृहद्रथ, भानुगुप्त, हरिसेन। अब ये गवर्नर नियुक्त किया गया था स्कंद गुप्त, तो भानुगुप्त को क्या होगा? नहीं, पर्णदत्त को किया था गवर्नर, मतलब वहाँ का देखभाल करने के लिए गवर्नर नियुक्त करते थे छोटे छोटे प्रांत में बांट करके। तो सौराष्ट्र का गवर्नर पर्णदत्त बने थे जिसको स्कंद गुप्त ने बनाया था। किस गुप्त शासन काल में हूनों पर आक्रमण शुरू हुआ था? स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। स्कंद गुप्त या कुमार गुप्त में है, देखते हैं। स्कंद मार करके सही हो गया, ऐसे तुक्का ही था। मिक्स क्वेश्चन चल रहा है, ये टॉप मिक्स क्वेश्चन टेस्ट, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहना चाहिए। 50 क्वेश्चन है, इसमें से 13 क्वेश्चन आ चुके हैं, लगभग हिस्ट्री से हैं, ज्योग्राफी से। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? जी का मान घटता है कि बढ़ता है? कन्फ्यूजन हो गया। देखते हैं, बढ़ता है, जी का मान वहाँ पर बढ़ता है, इसीलिए वजन भी बढ़ता है ध्रुव पर। वही है, ये फिजिक्स से क्वेश्चन हो गया। जी मतलब ग्रेविटी का मान। ग्रेविटी क्या है? कि जो वस्तु गिरता है पृथ्वी की ओर उसका एक्सेलरेशन। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? कांची के चालुक्य का, तमिलनाडु के चोल का, वातापी के चालुक्य का, कल्याणी के चालुक्य का। वातापी के शायद थे, वातापी के चालुक्य वंश के ये थे पुलकेशिन द्वितीय। ये भी हम गेस में ही मारे हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है नौ, स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है नौ, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है नौ, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। डी ये होना चाहिए, ऊष्मा बढ़ गई भाई, ताप बढ़ा मतलब ऊष्मा बढ़ा, सिंपल मीनिंग था यहाँ पर। गतिज ऊर्जा तब बढ़ेगा जब उसकी उसमें मोशन आए, गति आएगा, एक जगह से दूसरे जगह हिलेगा। यांत्रिक ऊर्जा तब बढ़ेगा जब उसमें मूवमेंट होगा। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलता है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? भाई मान तो हमको याद नहीं है, लेकिन जूल किलो कैलोरी, जूल कैलोरी, कोई भी मार देते हैं तुक्का ही, गलती हो गया। उपरोक्त सभी था इसका मान। अच्छा चलिए, हो सकता है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूट जाएगी? क्योंकि कुछ ऊष्मा का कांच ऊष्मा का कुछ अलग है? नहीं, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, यही होता है। अभी इसके पहले भी सवाल इसी तरह का था जहाँ पर यह संभव था कि आयतन बढ़ना घटना इसके बारे में था, वो पहले घट करके फिर बढ़ जाता है, तो टूटेगा उसी समय जब बढ़ेगा। हरिसेन ने किस गुप्त शासक के लिए प्रयाग प्रशस्ति का लेख लिखा था? अब ये प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग में तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त। प्रयाग वाला किसके साथ लिखा गया था? समुद्र या चंद्र होगा, देखते हैं। चंद्र मारते हैं, गलती, ओहो समुद्रगुप्त ही था, फिर गलती हो गया। चलिए, गलती भी होना जरूरी है। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त प्रथम ने किए होंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने, सही हो गया। गुप्त वंश, इन्होंने अपना वंश चलाया था, संवत चलाया था, ईस्वी, जो अभी हम लोग कालगणना में देखते हैं, ईस्वी डेट वगैरह का
इन्होंने अपना संवत चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने। वेन सांकी भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर क्या था, कौन था? कांची, वाराणसी, पाटलिपुत्र, मथुरा। भाई कांची देखते हैं, गलती हो गया, मथुरा था सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर, यानी मथुरा में सूती कपड़े का प्रयोग होता था, वहाँ पे उत्पादन होता था, बनता था, और सूती कपड़ा जब बन रहा था तो उसके लिए धागा भी तैयार होता होगा। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? महेंद्र, राजेंद्र चोल, राजा राज चोल, परांतक। अंदाज ही मार रहे हैं, राजेंद्र चोल था इसका आंसर, गलती हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन और क्या आ रहा है। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? गोविंद प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, कृष्ण प्रथम, राजेंद्र प्रथम। महेंद्र ने शायद किया था, गलती हो गया, कृष्ण प्रथम ने किया था कैलाश मंदिर का निर्माण। एलोरा की गुफा है जिसमें कैलाश मंदिर है, पहाड़ों को काट करके बनाया गया है, ये कृष्ण प्रथम ने बनाया था कैलाश मंदिर, बहुत दिनों तक बनते रहा था, कई लोग इसमें शामिल हुए थे। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? करिकाल, महेंद्र वर्मन, पांडिचेर, देखते हैं कौन थे ये, महेंद्र वर्मन, ये तो फिर भी देखना पड़ेगा, गलती हो गया, पांड्य। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु पर प्रभावित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रभावित होगी, पृथ्वी से उस वस्तु में प्रभावित होगी, उस वस्तु से अधिक ताप नहीं कम बला में न जाएगा, जिसमें तापमान ज़्यादा रहेगा उससे कम वस्तु वाले, कम तापमान वाले वस्तु में ताप का ट्रांसफर होगा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, शायद रमफोर्ड या डेवी कोई हैं, देखते हैं, रमफोर्ड मारे सही हो गया, हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया गया था कार्य में, जैसे कि आप देखते हैं भाप इंजन चलता है हीट से, ट्रेन वगैरह चलता था, शायद वही है कॉन्सेप्ट। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में जो उपस्थित भार है घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहता है, पदार्थ की मात्रा में, मात्रा क्यों परिवर्तन होगा, शरीर तो उतना ही बड़ा रहता है, भार घटता है, सिर्फ वजन घट जाता है, 1/6 हो जाता है, मतलब 6 किलो के वजन का यहाँ पर व्यक्ति अगर है धरती पर तो वहाँ पर वो 1 किलो का हो जाएगा, लेकिन मात्रा है, शरीर का जो साइज है वो सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा नहीं कि सिकुड़ जाता है वो, ऐसा नहीं होता है, इसलिए मात्रा अपरिवर्तित रहती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों है? सड़क बर्फ से सख्त है, नहीं दोनों सख्त है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है, बर्फ़ में घर्षण कम होता है, यही है। यहाँ पर हम जो चलते हैं पैर और ज़मीन के बीच में घर्षण के कारण हमको रोकता है और हम रुके रहते हैं और खड़े हो पाते हैं और फिर आगे बढ़ पाते हैं। एक पैर आगे बढ़ाने के लिए एक पैर को ज़मीन पर टिकाना जरूरी होता है और वो टिकता है घर्षण बल के कारण, यानी फ्रिक्शन के कारण। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा? भाई इस भी वाली बात है, इसमें तो हम फिर गलती ही करेंगे, लेकिन मार देते हैं एक टेंटेटिव, गलती हो गया, 320/15 पर ध्यान था, गलती हो गया तो हो गया, जाने देते हैं। डेट वाला थोड़ा याद नहीं रहता है हमको, आप लोग बनाएंगे याद करेंगे तो इसको क्रम से पढ़िएगा तो डेट याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, मेरे तरफ पढ़िएगा जहाँ तहाँ तो फिर याद नहीं रहेगा।
किस वस्तु का ताप किसका सूचक है, उसके अणुओं की ऊर्जा कुछ ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का, उसके अणुओं के कुल औसत गतिज ऊर्जा का। शायद गति का होगा, देखते हैं डी, कि उसके अणु में जो इंटरनल मोशन होता है तो उसके गति कारण टकराव से गति मतलब कि जो टेम्परेचर का उत्पत्ति होता है, इसलिए उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का कह सकते हैं। किस गुप्त काल में चीनी बौद्ध यात्री फाइयान भारत आया था? भाई फाइयान कब आया था? ये सब हमेशा फाइयान वेनसांग जब जब आया था थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आप इसको रख करके क्लियर कर लीजिएगा, फिर हम तुक्का ही मारेंगे। देखते हैं, भानुगुप्त मारते हैं, गलती हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय समय में आया था। किस गुप्त काल में चीनी बौद्ध यात्री फाइयान आया, तो उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। किस अभिलेख में महिला के सती होने का प्रमाण मिला है? गुहा लेख, एरन अभिलेख, स्तंभ लेख, शिला लेख, नहीं पता है ये हमको, तो फिर भी शिला लेख डालते हैं, देखते हैं, गलती हो गया, एरन अभिलेख में मिला है। ये अभिलेख लेख जो होता था ये पत्थरों पर उगेर करके खोद खोद के लिखा जाता था, तो यही इसी को मिला है, और मिटता नहीं, पत्थर पर खुदा हुआ है तो मिटेगा नहीं ये कभी भी, तो उसको पढ़ करके जो भी भाषा उस समय था उसको उस भाषा के विद्वान उसको पढ़े। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। आश्चर्य है, ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसका आधार से होकर जाती है इसीलिए वो नहीं गिरती है। आधार से जैसे बाहर हो जाएगी तो वो गिर जाएगा। वजन का जो सेंटर होता है हर वस्तु का, उसका मास ऑफ इनर्शिया होता है, उसका बीच का जो भी सेंटर होता है ना वो वजन उसके अंदर में रहना चाहिए। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है? ये उड़ीसा में है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। इसी तरह पूछता है स्वर्ण मंदिर कहाँ है, तो अमृतसर में राजस्थान में है, तो ध्यान रखना है सूर्य और स्वर्ण। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करा? मौर्य सम्राट अशोक, गुप्त शासक समुद्रगुप्त, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था, कृष्ण प्रथम ये राष्ट्रकूट के शासक थे, क्वेश्चन रिपीट हुआ, थोड़ा सा इसमें अंतर किया गया है, यही समझना है। शिव मंदिर को वहाँ पर कैलाश मंदिर था और सिर्फ कृष्ण प्रथम दिया गया था ऑप्शन में, यहाँ पर राष्ट्रकूट शासक उसके साथ एड कर दिया गया है बस। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त को शायद कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त का बहुत ही योगदान है भारत में। वेट कर रहे हैं हम भी, 30 सेकंड नहीं पूरा हुआ है, हमने तुरंत जवाब दे दिया था। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शी नाटकों के नाटककार कौन थे? वानभट्ट, हर्षवर्धन, विशाख दत्त, राजवर्धन। पता नहीं है हमको, वानभट्ट डाल दिए हैं, गलती हो गया, हर्षवर्धन थे इनके लेखक नाटककार, नाटक का नाम है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शी, ध्यान से नाम याद रख लीजिएगा, हमने पहले देखा भी था लेकिन ये ध्यान में नहीं रहा। हर्षवर्धन इनके लेखक थे, नाटक करते। वह गुप्त शासक जो संगीत प्रेमी था, ये समुद्रगुप्त ही संगीत प्रेमी था, ये जान लीजिएगा। भारत का नेपोलियन उनको कहा जाता है, ये समुद्रगुप्त इनका ही संगीत प्रेमी इनको माना जाता है क्योंकि इनको बिना बजाते हुए इनका मूर्ति दिखता है, चित्रकारी इनका। और 12 क्वेश्चन आने हैं। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है,
चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, वहाँ वायुमंडल नहीं होता है। तो CIB वायुमंडल नहीं होता, ये डालते हैं, गलती हो गया। त्वरण कम होता है पृथ्वी से, इसलिए वो ज़्यादा उछल सकता है, वही आंसर था, गलती हो गया। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? विष्णु, ब्रह्मा, दुर्गा, शिव। शिव को शायद है, हर जगह शिव मंदिर आपको दिखेगा, चोलकालीन जितने भी मंदिर वगैरह बने हैं, गुफा बने हैं। तो इस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और इस ग्रुप का लिंक रहेगा, वो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं इस ग्रुप से, और फिर आप खुद ये प्ले कर सकते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ज़रूर लीजिए। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, गोल रहेगा तो, क्योंकि उपयुक्त विकल्पों का अतिरिक्त कोई नहीं, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बल बहुत कम होता है, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। देखिए लुढ़कन जो है उसका जो पृष्ठी गोल घूमने के कारण वो आगे भी ठेलता है। एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर हैं, हिंदू और जैन, हिंदू बौद्ध जैन, बौद्ध और जैन, हिंदू बौद्ध, बौद्ध और जैन के शायद हैं, देखते हैं, नहीं तीनों के हैं, हिंदू बौद्ध और जैन, तीनों धर्म के वहाँ पर मंदिर में मूर्तियाँ हैं, हर धर्म से जुड़ा हुआ, यानी अलग अलग काल में वो बना है, तो सभी लोगों ने अपने अपने समय में वहाँ पर छाप छोड़ा है, ये पता चलता है इससे। कोई तो कहते हैं ऋषि मुनि उसमें तपस्या करते थे। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है, नहीं जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, नहीं जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, हाँ यही है, आयतन बढ़ जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन एक ऊपर भी था, आपने देखा होगा तो आप जरूर सही समझे होंगे, यही होगा। पहाड़ी पर चढ़ता यह व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके नहीं, फिसने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, अस्थायित्व तो बढ़ाने के लिए, शक्ति संरक्षण अस्थायित्व तो बढ़ाने के लिए, देखते फिसलने की, ओफो अस्थायित्व तो बढ़ाने के लिए, वो आगे झुक जाते हैं अपना वजन को अस्थिर रखने के लिए, वहाँ पर फिक्स रह सके, स्लिप नहीं करे, इसलिए किया जाता है, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, सही था। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? स्मारक चालुक्य राजा ने, चोल राजाओं ने, पल्लव राजाओं ने, चेरा राजाओं ने, देखें पल्लव राजाओं ने, इसका ऊपर में चर्चा हुआ था, महाबलीपुरम पल्लव राजाओं के संबंध से था, तो यही ऑप्शन हो गया, पल्लव राजाओं ने बनाया था स्मारकों का समूह। और बस 5 क्वेश्चन और फिर रिजल्ट। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ को 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? रमफोर्ड, जूल, डेवी। रमफोर्ड ही किया होगा, देखते हैं, नहीं ये डेवी ने किया था, ये प्रैक्टिकल कि बर्फ के टुकड़ों को घिसते घिसते गर्म हो गया और वो पिघलते गया, हीट से पिघलना ही है, पानी बनना ही है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो ये राजस्थान में, ये उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, देखें क्षेत्रफल, कौन क्षेत्र कहाँ है ये जानकारी होनी चाहिए मैप के द्वारा, कौन प्रदेश कहाँ है, कौन नदी कहाँ है, कौन पहाड़ कहाँ है, कहाँ से क्या निकलता है, सारे चीज़ का जिक्र जिसमें तैयारी करनी चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए, अपना भारत देश है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? रोम से व्यापार होता था, अरिक मेडू, पुम्पुहर, मदुरै, मुसिरी, मदुरै शायद था, नहीं अरिक मेडू था रोमन व्यापार का केंद्र, संगम काल में अरिक मेडू जगह मेन था व्यापारियों के लिए, विदेशी व्यापारियों के लिए जो रोमन व्यापारी थे।
और दो क्वेश्चन, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, चेन्नई, तंजौर, तिरुचिरापल्ली। तंजौर या कांचीपुरम हो, देखते हैं कांचीपुरम सही हो गया, कन्फ्यूजन था फिर भी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आ गया आज। एक झील में तैरने वाले इस्पात के नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी सतह के नीचे है, नाव के भार से कम है, नाव के भार से ज़्यादा होगा तभी तो ये नहीं डूबेगा ना। नाव के उस भाग के भार के बराबर होता है जो झील के पानी के सतह के नीचे होता है। अच्छा, जितना पानी विस्थापित किया वो उतना ही विस्थापित करता है पानी, यानी कितना पानी हटाता है। देखिए तो ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में जो है हम सेकंड ही रहे, सुनील कुमार 39 पर, 50 में 39 बनाया इन्होंने, 39 टॉपर रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल ये सब हो रहा था, ये प्रैक्टिस हो रहा था, इसमें कुछ सोचना नहीं है। जिनको अच्छा आया उनके लिए भी अच्छा, जिनको बुरा आया, कम नंबर आया उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस तो किया और प्रैक्टिस करके कुछ तो सीखा। बस आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका लिंक ग्रुप का हम वेबसाइट पर जो है, अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो धन्यवाद।